आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। कुछ तो व्यवस्था ही नहीं है सफाई की, देखो ना कितनी गंदगी है, आता है वो झाड़ू मारता है चले जाता है। कुछ कुंद्रा कुमारी 15 साल से विधायक रही है, उसने हमेशा वायदा ही किया है, काम कुछ नहीं किया है। कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, कहाँ सुन रहे हैं? कोई सुनता होगा तो काहे के लिए ये गंद खाना मचा रहा है? अंदर जाके देखो, वही पानी पीने का है, वही नहाने का धोने का, वही सारा गंद फैलते सब चले जाते हैं। बोल बोल के कुछ भी नहीं होता है, हाथ जोड़ते पैर पड़ते और चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल। इस वक्त हम शालीमार बाग विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 62 में मौजूद है, जहाँ पर स्थानीय लोगों की समस्या काफ़ी है पर निगम चुनाव पास है। मैं आपको बता दूं कि ये वार्ड अपने आप में बहुत खास है। ये जो वार्ड है बीजेपी का गढ़ माना जाता था, पर पिछले साल बाय इलेक्शन में ये सीट आम आदमी पार्टी के पाले में है और यहाँ से निगम पार्षद सुनीता मिश्रा है। आज जनता के बीच चलेंगे कि अभी तक सुनीता मिश्रा के क्या क्या काम उनको पसंद आए हैं और क्या क्या विकास कार्य अभी तक उन्होंने करवाए हैं, तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बेटगर कॉलोनी के कुछ जो स्थानीय निवासी हो मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महादेव। महादेव जी, ये बताइए कि अभी इलेक्शन हुए हैं, कई दावे और वादे करके गए थे यहाँ के निगम पार्षद, क्या क्या पूरे हुए अभी? अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ नल लगा दिए थे उन्होंने और कुछ ही नहीं किया। कर तो रहे, बोल रहे आ रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तो कुछ कर नहीं रहे। अच्छा, एक बजट भी पास हुआ था जिस जगह पे अभी मौजूद है वहाँ पे शौचालय बनाने के लिए? कुछ नहीं हुआ जी अभी। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। आते हैं और जाते हैं बस। अच्छा, तो सफाई की क्या क्या व्यवस्था है? कुछ तो व्यवस्था ही नहीं है सफाई की, देखो ना कितनी गंदगी है, आता है वो झाड़ू मारता है चले जाता है, कुछ ऐसी कुछ यही नहीं है। तो निगम पार्षद बोलते हैं हम जनता के बीच रहते, कुछ सुनते हैं आपकी? कोई नहीं सुनता जी यहाँ पे। अच्छा, कोई सुनता? कोई नहीं सुनता। कभी कंप्लेंट करी है इन सब चीज़ों की? कंप्लेंट तो आप होते रहते, किससे कंप्लेंट करें मैडम? कंप्लेंट के लिए मतलब कोई चीज़ की समस्या? बिल्कुल, बहुत समस्या है यहाँ पे। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं केजरीवाल जी, पर यहाँ पर महिला खुले में सोच करती है? कैसा है? कुछ तो महिला खुले में करती, क्योंकि गिनती के 12 से 20 डब्बे हैं, अब 20 डब्बे हैं और महिला कम से कम 3-4 हज़ार है मान लो झुग्गी के अंदर। हाँ। तो अब जब डब्बे फूल हो जाए तो मेला खुलने में जाएगी। हाँ। बजट पास हुआ था अभी तक बना नहीं कुछ? अभी कुछ भी नहीं बना मैडम, सिर्फ प्लास्टिक के डब्बे लगे हैं जिसमें कि पूरा हो नहीं पा रहा। अच्छा, तो खुश है इनके काम से? नहीं, नहीं अभी नहीं, तो बहुत नाराज हम। अच्छा, नाराजगी इतनी है कि हम बता नहीं सकते आपको। कितने साल से रह रहे हैं? हम वही यहाँ रह रहे हैं 40 साल। 40 साल हो चुके हैं, खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। सुन रही है सरकार? कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है, कहाँ सुन रहे? कोई सुनता हो तो काहे के लिए ये गंद खाना मचा रहा है? अंदर जाके देखो, वही पानी पीने का है, वही नहाने का धोने का, वही सारा गंद फैलते सारा गंद होता है। लड़के शौच नहीं तो लड़कियां ना सबसे ज्यादा बंगन है, लड़कियां ना ज्यादा परेशान है, बूढ़े आदमी तो कुछ भी कर ले बता। अच्छा। है बच्चे कहाँ जाए? जवान जवान बच्चे हैं, 18-18, 20-20 साल की लड़कियां हैं, कहाँ जाएं वो? अच्छा। ना हमारे घर में पानी डालने की जगह है, ना इन नाली बनाई है, ये रोड डाल दिया है ऐसा ही, रोड ही कहीं कहीं डाला, कहीं कहीं नहीं डाला, कहीं डाला पानी भर जाता है, क्या करें लोग? समाचार बताओ, इतने इतने पानी में घुसते, कीचड़ में घुसते, नहर पे जाओ तुम, कितना गंदा, बहुत हर बुरा, इतना के बहुत ज्यादा, कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहते कि रोटी खाओ तो वो भी ना खाओ इसके पीछे। तो ये पार्षद आती है वो भी महिला है तो वो समस्या नहीं सुनती? अब देखो यही तो है ना, हाँ हाँ कर जाती बस, ले जाते चले जाते, वो जान सा गई। और बाथरूम लेटरिन को परेशान नहीं, और आगे हाथ पैर जो लेंगे कैसा सब काम करेंगे हम, उसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं आता, फिर सब चले जाता है बोल बोल के। हाँ, माता जी क्या नाम है? हमारा जय कुमार। जय कुमार, सालों से यहाँ रह रही मैं, 30 साल हो गए। 30 साल में अभी तक शौचालय नहीं, कुछ नहीं बना है साहब जी। अच्छा। जो लड़का लड़का बच्चा कहाँ जाएंगे बाथरूम के, कहाँ जाएंगे? जहाँ जिसको लगता है तो नहर पे जाते हैं, खाली टोंटी लग गई तो टोंटी में तो कुछ नहीं होता है, टोंटी तो लगा नहीं, लेकिन पानी के लिए साधन तो होना चाहिए। चुनाव में अभी जो अभी फरवरी में चुनाव हुए थे पिछले साल, तो आगे बोल के गई थी सफाई तो बिल्कुल ठीक रहेगी। अरे सफाई है तो ऐसी सफाई कुछ भी नहीं है, अभी हमारे को शौचालय यहीं पे दे दो बनवा के बस।
कुछ नहीं कराना हमारे को यहीं पे दे दो। मेरा नाम कमला है। समस्या काफी है। अरे कुछ भी नहीं होता है, हाथ जोड़ते पैर पड़ते हैं और चले जाते हैं। कुछ करने का ये नहीं, जो करेगा तो हम उसको वोट देंगे न तो नहीं देंगे। हाँ कोई सुनने के लिए? अरे सारे नंगे होके नहाते हैं लड़के, वो देखते हैं लोग वो कपड़े पे, जवान जवान लड़की पे क्या बताए। निगम पार्षद भी महिला है तो सुनती नहीं कभी? कोई भी ना सुनता है जी, कोई भी नहीं सुनता है। कोई विधायक जी आती है? सब आते हैं, चले जाते हैं हाथ जोड़ के पैर पड़ के बस। हमारे यहाँ वंदना कुमारी 15 साल से विधायक रही है, उसने हमेशा वायदा ही किया है, काम कुछ नहीं किया है। क्योंकि सिर्फ इसने एक लाइन डलवा दी पानी की, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। पड़ोस की झुग्गियों में और सामने की झुग्गियों में पक्के शौचालय बने हैं, जबकि ये दिल्ली नगर निगम की पक्की गवर्नमेंट की जमीन है। उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ आते हैं जी, आते हैं, मगर वो झूठे वादे करते हैं। अब 15 दिन में करवा लेंगे, 8 दिन में करवा लेंगे, 1 महीने में करवा देंगे, पर कोई करवाने को राजी नहीं है। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम खमान चंद्र जी। अच्छा, यहाँ का प्रधान हूँ झुग्गियों का। आप प्रधान है तो सर समस्या बहुत होती होगी, कभी निगम पार्षद से बात भी होती होगी, विधायक से भी, क्या बोलते हो? निगम साहब से बात होती है, विधायक जी से बात होती है, कहते तुम्हारे शौचालय यहाँ मंजूर हो चुके हैं। अच्छा, और 1 महीने के अंदर तुम्हारा काम ये शुरू हो जाएगा शौचालय वाला। अच्छा, अच्छा। और शौचालय की हमारे को इतनी ज़्यादा परेशानी समस्या है, छोटे बच्चे जा नहीं सकते कहीं तक, रास्ते में कर दें तो सफाई कर्मचारी डांटते हैं, रात बिरात टाइम बैठे, मगर इनको पैखाना जाना होता है तो रोड पे जाते हैं, वहाँ भी सफाई कर्मचारियों को रास्ते में चलने वालों की परेशानी है, वो भी डांटते हैं। तो जाएं तो कहाँ जाएं? कुछ डब्बे हमारे पास पीछे नहर के साथ लगे हुए हैं, वो डब्बे हैं, उसमें कभी सफाई होए ना होए, कभी कभार जो है डब्बा नहीं आते तो दिक्कत ही होती, खुले में लोग जो है बैठ जाते हैं। समस्या काफ़ी है और समस्या हमने आपको बता भी दिखी और जनता भी इसको खुद ही बता रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर खुले में हम लोग शौच करने के लिए मजबूर है, साथ ही साथ नहाने के लिए मजबूर है। इन सभी का ये कहना है कि हमारे घर में जवान बेटियाँ हैं, वो उनको काफ़ी तकलीफ होती है। हमेशा हम निगम पार्षद विधायक से इस बात की शिकायतें करते रहते हैं, पर लगता है कि हल कुछ नहीं निकलता दिखता है। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार बाय जो अभी पिछले साल जो बाय इलेक्शन हुआ था उसमें जो यहाँ से निगम पार्षद है सुनीता मिश्रा, उन्होंने ये दावा और वादा करके गई थी यहाँ पर जल्द ही जो शौच के जो डब्बे हैं वो लगवा दिए जाएंगे, साथ ही साथ सफाई की व्यवस्था भी करवाई जाएगी, जिससे आप अब देख सकते हैं कि 1 साल पूरा हो चुका है, दावे और वादे दोनों ग्राउंड रिपोर्ट पे झूठे साबित हो रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।